आपके साथ। पूर्णिया सहित आसपास के इलाकों में लगातार चार दिन हुए मूसलाधार बारिश ने तबाही ला दी है। नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब घर आंगन में घुस चुका है। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं और चूल्हा पूरी तरह डूब चुका है। ऐसे हालात अमूमन हर तटीय क्षेत्र का है। पूर्णिया के 22 अंतर्गत सभी 17 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। इनमें से ही एक पंचायत है मीनापुर, जहां के मुखिया प्रतिनिधि का कहना है कि 22 अंचल अधिकारी को सूचना फोन पर दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्णिया जिला अधिकारी से 22 अनुमंडल को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए उचित मुआवजा देने पर भी जोर दिया है। यहाँ पे तो स्पेशल से महादलित टोला के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, सरकार का आखिर योजना कहाँ रहता है? हम लोग दुकान से बिस्कुट की भुजा हमको बच्चा लोग के खिलाएंगे कि पेट पालेंगे, कोई चीज का हम लोग को ना देता है सरकार। अच्छा, सरकार ने देता है तो कोई मतलब लगा कुछ नहीं। ऐसा हुआ है कि चूल्हों में भी खाना बनाने में दिक्कत है, ऊपर से पानी पड़ता है, झरना सब भी खत्म हो गया, कहाँ में बना के खाएंगे हम। यहाँ पे सैलाब का पानी कब से जमा है? आज 10 रोज से है। 10 रोज से है। फिर आप लोग खाना वाना कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं भाई, देखो अभी झरना काट उठ के अभी खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया। चूल्हा चक्की डूब गया क्या? हाँ देखो घर में डूब कर चूल्हा, ये घर आप ही का है। सैलाब का पानी कब से आया हुआ है? 10 रोज से। और खाना वाना कैसे बनाते हैं आप लोग? फिर किसका उसका चूल्हा में, कभी इसका चूल्हा में। फिर पीने उने का पानी का व्यवस्था कैसे होता है? गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, आंगन तक तो घुसा ही है, लेकिन बहुत ऐसा घर परिवार है जो उसके घर तक में और चूल्हा तक में पानी घुस गया है, जो खाने को भी मोहताज है। और धान के फसल का क्या स्थिति है इधर? फसल का बहुत बुरा स्थिति है, किसान लोगों ने पहली बार जो बाढ़ आया उसमें धान नुकसान हुआ था, दोबारा लगाया, फिर कुछ लोग तीसरे बार भी लगाया, लेकिन इस बार का सैलाब जो आया है इसमें लगभग हम समझते हैं कि 95% किसान का खेती खत्म हो गया। इस पंचायत में कितने वार्ड हैं? इस पंचायत में 22 वार्ड हैं। अभी 22 वार्ड में भी पानी घुसा हुआ है? हाँ, लगभग सभी वार्ड में पानी है। तो क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से और जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी से और बिहार सरकार से मेरा यही मांग है कि मीनापुर पंचायत में स्पेशल ध्यान दिया जाए, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको कुछ राहत पहुंचाया जाए और किसानों को मुआवजा मिले। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो है किसान के फसलों की। सभी के फसल बर्बाद हो गए हैं, पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। अब लोग इस बात से परेशान हैं कि उन्हें उनका मुआवजा कैसे मिलेगा। आप कितने एकड़ में धान का खेती किए थे? 10 एकड़ में। क्या अभी स्थिति है धान का? धान पूरा डूब गया है और क्या कहता है जो पूरा शीश भी डूब गया है। धान कटने के कगार में भी था? धान कटने का टाइम में मैंने इस सैलाब आया। क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार हम लोग को छाती दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत परेशानी हाल है, क्या खाएंगे हम लोग। कितना परिवार है आपको खाने का? परिवार 10-15 आदमी है, 15 आदमी। ये धान का खेती से भरण पोषण हो जाता था आपका? जी। इस बार धान का खेत दागा हो रहा है। बैगन कितना एकड़ में लगाए थे? बैगन 2 बीघा लगाया था। क्या हाल है बैगन का? बैगन पूरा भी डूब गया। SDN न्यूज लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और अब हम दिखा रहे हैं कि लगातार मूसलाधार बारिश के बाद 22 प्रखंड के सभी 17 पंचायत के क्या हालात हैं। देखिए एक नज़र में इस बाढ़ से प्रभावित 22 प्रखंड के इन गांवों की दशा।